लव एंड साइड की चर्बी को कैसे कम करें। अरे भाई वही जो साइड में टुमकी जैसे निकल जाता है, पूरा एक मटका बना देता है, जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो आज हम लोग यही बात करने वाले कि हम लोग अपने लव हैंडल्स मतलब कि साइड की चर्बी को कैसे खत्म कर सकते हैं। अब कोई एक एक्सरसाइज तो बनी नहीं जिसको आप करके ऐसे करके फैट कुछ झाड़ दोगे, वैसा नहीं होता है। लेकिन आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है जो करने के बाद आपका हालत खराब हो जाए, पसीना पसीना बह जाए, आप बोला अरे भाई ये क्या कर लिया हमने। उससे क्या होगा कि आप अच्छा खासा कैलोरीज बर्न करोगे, और जितना ज्यादा कैलोरी बर्न होगा उतना ही ज्यादा आपकी जो चर्बी होती है जिद्दी वाली वो एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगी, मतलब फैट जो है वो एनर्जी बन दे गया, मतलब क्या फैट खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो हम लोग को कुछ ऐसे ही अमेजिंग एक्सरसाइजेस करनी जिसके वजह से हम अच्छा खासा कैलोरी बर्न करें, हमारी जो चर्बी हो मक्खन की तरह गायब हो जाए। लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ आपको क्या खाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप चाउमीन समोसा कचौरी रेल रहे हो और फिर आप बोल रहे हो अरे भाई मेरी तो चर्बी जा नहीं रही है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। लेकिन पहले हम लोग क्या खाने वाले ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी, पहले हम लोग दम भर एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला एक्सरसाइज है साइड जंप स्क्वीज। इसको जब आप करिएगा तो आपकी जो चर्बी है वो उछल उछल के गलने लगेगी। सच में गाइस जब आप ये करोगे तो आपकी चर्बी भी उछलेगी, वो बर्न भी होगी और आप फैट लॉस भी कर लोगे। तो आइए सीखते हैं कैसे करना है। सिंपली आपको एक पोजीशन में खड़े होना है, आपका लेग का पोजीशन इस तरीके से रहेगा, पूरा स्क्वाट्स करेंगे हाथ ऊपर, देन पूरे साइड को स्क्वीज, देन डायरेक्ट जंप, स्क्वाट्स साइड स्क्वीज देन डायरेक्ट जंप। अब बहुत सारे लोग जो बैठ भी नहीं करते हैं तो कैसे होगा यार, यहाँ थोड़ा जलना चाहिए ना। तो सिंपली आपको पूरा बैठना है, फिर पूरा ऐसे करके पूरा स्क्वीज करेंगे, देन पूरा कूदेंगे। अब बहुत सारे लोग जो कूद भी नहीं करेंगे तो कूदिएगा नहीं तो चर्बी कैसे कूदेगा, वो जलेगा कैसे। तो आपको पूरा कूदना है, सो ओ माय गॉड, पूरा स्क्वाट्स, पूरा साइड स्क्वीज, देन डायरेक्ट जंप, स्क्वाट्स साइड स्क्वीज, देन डायरेक्ट जंप, स्क्वाट्स साइड स्क्वीज, देन डायरेक्ट जंप। ऐसे करके गाइज आपको करना है, कितना करना है तो 20-20 बार करना है, 3 बार कर लेना मतलब टोटल 60 बार करना है। गिन के कीजिएगा और जब आप करोगे तो आपका हालत खराब होगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है क्योंकि दिमाग बोलेगा रुक जाओ, लेकिन शरीर बहुत कुछ कर सकता है। जब मैं कर रही हूँ तो आप भी कर लोगे, कर लेना ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं बर्पीज विद माउंटेन क्लाइंबिंग, गर्दा वर्कआउट है करिएगा जरूर। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली एक पोजीशन में खड़े होना है, बर्पीज के लिए नीचे जाएंगे, बॉडी खोलेंगे, फिर यहाँ पर आके माउंटेन क्लाइंबिंग शुरू कर देना 5 बार, 1 2 3 4 5, देन ऊपर आके बर्पीज को कंप्लीट करना है। क्या किए, नीचे गए, बॉडी खोले, माउंटेन क्लाइंबिंग 1 2 3 4 5, देन आगे आए कूद गए। क्या किया, बर्पीज के लिए नीचे गए, बॉडी खोले 1 2 3 4 5, माउंटेन क्लाइंबिंग, आगे आए कूद गए। ऐसे क्या किया, बर्पीज एंड माउंटेन क्लाइंबिंग को मिला देना। कितना बार करना है तो 15-15 का 3 बार कर लेना, मजा आ जाएगा, हालत भी खराब हो जाएगी एंड जो चर्बी है वो भी गलना शुरू कर देगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं जंपिंग जैक्स के साथ हाई नीज को जोड़ दिया है, मतलब बाप एक और बाप मिलके दादा जीवन के। इसमें आपको क्या करना है, जंपिंग जैक्स करना है, 5 बार करना है गिन के 1 2 3 4 5। अब हाई नीज 1 2 3 4 5 6 7 9 10, फिर जंपिंग जैक्स 1 2 3 4 5। अब हाई नीज 1 2 3 4 5, फिर जंपिंग जैक्स 1 2 3 कूदो 4 5, फिर हाई नीज 1 2 3 4 5, डन। मैंने इतना किया, लेकिन आपको कितना करना है, 20 बार करना है, 20 का भी 3 बार करना है, बीच में 10 सेकेंड रेस्ट ले लीजिएगा। उसके बाद गाइस हम लोग नेक्स्ट करने वाले लंजेस, लेकिन वो भी आपको जंप करते हुए करना है। कैसे करना है आइए सीख लो भाई। हाँ, सबसे पहले हम लोग लंजेस करेंगे, पूरा नीचे जाएंगे 90 डिग्री, जंप करके पैर चेंज, जंप करके दूसरा, जंप करके तीसरा। अब बहुत सारे लोग हैं जो बैलेंस नहीं बना पाते, कूद के छितरा जाएंगे, जब छितरा जाओगे तो मुंह कान फूट जाएगा, इसलिए थोड़ा बैलेंस बना के धीरे धीरे ही करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेना ठीक है। क्या किया, लंजेज 90 डिग्री, जंप बैलेंस दूसरा, जंप बैलेंस तीसरा,
जॉन बैलेंस जो था, जिनको दिक्कत हो रहा है थोड़ा दीवार उवाल का सहारा ले लेना, लेकिन कूद कूद के करना, तभी चर्बी कूदेगी, गलेगी, जल जाएगी, ठीक है। तो हमने जो ये सारा एक्सरसाइज कर लिया, इसको कर लो, नाम बदल दोगे गाइस अगर पसीना नहीं बहा तो आपका। लेकिन अभी इतना कुछ कर लिया तो भूख तो लगेगा ही, अब भूख लगेगा जाके चाउमिन समोसा कचौड़ी खाने लगोगे, जो कुदा कुदा की चर्बी गलाई है वो वापस कूद कूद के बॉडी में आ जाएगी, इसलिए वो नहीं करना है। तो क्या करना है, घर का सात्विक भोजन करो, दाल चावल चोखा सब्जी खाओ, मस्त रहो, कम पोषण में खाना ये ध्यान देना, और जो सैलेड है वो दबा के खाइए, एंड गर्मियों का मौसम है तो पानी तो दम भर पी लेना, उससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना कि कैलोरी डेफिशिएट पे ही खाओ, तभी जाके आपका फैट लॉस होगा। और ये जो एक्सरसाइज मैंने बताया इसको दम भर करो, अच्छा खासा कैलोरीज बर्न करो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं भी करोगे तो वर्कआउट तो जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। टिल द सेम इट्स हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।